3, 2, 1, 0. इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रचते हुए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग की है। ये लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से सुबह 11:50 पर की गई। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इसके बाद ये अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। इससे पहले बीते सप्ताह इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही भारत चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। इसरो के पहले सूर्य मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग को पाकिस्तान के सभी प्रमुख न्यूज चैनलों और वेबसाइटों ने प्रमुखता से कवर किया। दी डॉन। पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबारों में से एक दी डॉन ने आदित्य L1 की कामयाबी लॉन्चिंग को लेकर हेडिंग दी। चांद के बाद भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए रॉकेट लॉन्च किया। चांद की सतह पर मून मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के एक सप्ताह बाद ही भारत ने अपने पहले सौर मिशन में सूर्य के अध्ययन के लिए शनिवार को सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च किया। इसरो की वेबसाइट पर लाइव प्रसारण भी दिखाया गया कि सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिक ताली बजा रहे थे। आदित्य L1 चार महीने की यात्रा में लगभग 15,00,000 किलोमीटर की दूरी तय कर एक निश्चित स्थान पर पहुंचेगा। JioTV। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट JioTV ने आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग को लेकर हेडिंग दी। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। वेबसाइट ने आगे लिखा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने पहले सौर मिशन के लिए शनिवार को अंतरिक्ष यान आदित्य L1 रॉकेट लॉन्च किया। ये सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के एक सप्ताह बाद हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वेबसाइट पर इसका लाइव प्रसारण किया गया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। पाकिस्तान का एक और बड़ा अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग को लेकर हेडिंग दी। भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए शनिवार को अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू किया। सूर्य मिशन आदित्य L1 को ऐसे समय में लॉन्च किया गया है जब एक सप्ताह पहले ही इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। क्या है आदित्य L1? आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। ये सूरज से उतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन उनके पार्ट्स खराब ना हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी कि फोटोस्फेयर का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है।